myself Tahira Anju and I'm your beauty and wellness teacher. So आज के इस क्लास में हम जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू ब्यूटी एंड वेलनेस इंडस्ट्री एंड ब्यूटी थेरेपी, उसके जो बाकी दो रिमेनिंग टॉपिक है उसको कवर करेंगे, जो कि है प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द वर्क एरिया एंड द सेकेंड टॉपिक इज हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क प्लेस. सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट अवर क्लास. तो पहला टॉपिक है प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द वर्क एरिया. इसमें हम अपने वर्क एरिया को कैसे मेंटेन करें, कैसे प्रिपेयर करें, उसके बारे में पढ़ेंगे. एक सैलून को हमेशा क्लीन और डिसइंफेक्टेड होना चाहिए. लाइटनिंग फैसिलिटी, टेम्परेचर, ये सब का भी ख्याल रखना चाहिए. ब्यूटी एंड वेलनेस सेक्टर में हाइजीन का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए. तो इस टॉपिक में आज हम बहुत सारी चीज़ें जानेंगे, जैसे कि ये सारी चीज़ें, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड कार्ड, आपको रिकॉर्ड कार्ड कैसे मेंटेन करना है, एसेंशियल ऑफ वर्क एरिया, वर्क एरिया में आपको क्या क्या देखना चाहिए है, स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन मेथड, कैसे स्टरलाइज और डिसइंफेक्ट करें, इक्विपमेंट्स एंड मटेरियल्स यूज्ड इन द ब्यूटी सलॉन, क्या क्या इक्विपमेंट यूज होते हैं ब्यूटी सलॉन में, पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड बिहेवियर, आपका बिहेवियर और प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, वेस्ट को कैसे हम डिस्पोज करें, स्टोरेज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट, जो भी टूल्स इक्विपमेंट है उसको कैसे स्टोरेज करें, कंप्लायंस ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स, क्या रूल्स एंड नॉर्म्स हमें फॉलो करने हैं, एंड द लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्यूटी थेरेपिस्ट. तो ये सारे टॉपिक आपका इस टॉपिक में आते हैं, प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द वर्क एरिया. तो सबसे पहला है मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड कार्ड्स. सैलून में रिकॉर्ड कार्ड का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. उसमें हम कस्टमर का पुराना जो भी ट्रीटमेंट करवाए हैं वो लिखते हैं, उनका हिस्ट्री, जैसे कि उनको कोई प्रोडक्ट से एलर्जी है, उनका स्किन टाइप क्या है, कौन सा प्रोडक्ट वो ज़्यादा यूज़ करते हैं या उनको स्किन को सूट करता है, और कुछ ट्रीटमेंट अगर उनको कराना है तो बुकिंग हम उस रिकॉर्ड कार्ड में ही मेंटेन करते हैं. उस रिकॉर्ड कार्ड में हम क्लाइंट का नेम, एड्रेस, ये सारी चीज़ें बराबर सही से लिखते हैं. तो अगर वो क्लाइंट कुछ ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो वो रिकॉर्ड कार्ड देखकर ही हमें पता चल जाएगा कि उनको कोई प्रोडक्ट से एलर्जी है या उन्होंने कोई इससे पहले क्या ट्रीटमेंट कराया था, एक्सेट्रा. ठीक है, नेक्स्ट है एसेंशियल ऑफ वर्क एरिया. मतलब हम जहाँ काम कर रहे हैं उस जगह को कैसे रखें, कैसे क्लीन करें. सैलून में बहुत सारे ट्रीटमेंट सर्विसेज होते हैं तो हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सैलून हमेशा साफ और डिसइंफेक्ट होना चाहिए, जहाँ पर भी हम ट्रीटमेंट करेंगे वो एरिया क्लीन होना चाहिए, काउच, चेयर, टावल, एप्रॉन, ये सब क्लीन करते रहना चाहिए, लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन बराबर होना चाहिए ताकि कोई कस्टमर या क्लाइंट को सफोकेशन फील ना हो, टेम्परेचर कंट्रोलर होना चाहिए तो हम क्लाइमेट के हिसाब से टेम्परेचर को कंट्रोल कर सके, सैलून में अच्छा स्पेस होना चाहिए मूवमेंट के लिए और क्लाइंट का जो भी सामान है वो रखने के लिए, एक शांत और अच्छा एनवायरमेंट होना चाहिए, बैकग्राउंड में हल्का म्यूजिक होना चाहिए जिससे क्लाइंट को रिलैक्स फील हो. जो ट्रीटमेंट करेंगे उसका टूल्स इक्विपमेंट एक ट्रॉली में अरेंज करके रखिए, क्लाइंट का रिकॉर्ड कार्ड रखिए और अच्छी क्वांटिटी में कॉटन और टिश्यू का होना बहुत ज़रूरी है. तो इस तरह से हमें अपने वर्क एरिया को मेंटेन रखना है. नेक्स्ट टॉपिक है स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन मेथड. सैलून में हम टूल्स इक्विपमेंट अपने कस्टमर के ऊपर अप्लाई करते हैं तो इससे एक दूसरे से इन्फेक्शन फैलने का ज़्यादा रिस्क होता है, तो इसलिए हमें सारे सामान को एक बार यूज़ होने के बाद क्लीन करना चाहिए. तो इसमें सबसे पहले प्रोसेस है क्लीनिंग का. इसमें हम सिर्फ जो डस्ट है उसको क्लीन करते हैं. नेक्स्ट प्रोसेस आता है डिसइंफेक्शन. इस प्रोसेस से सारे बैक्टीरिया, वायरस, फंगई सब खत्म हो जाते हैं. देन आता है स्टरलाइजेशन प्रोसेस. इसमें हम स्टीम का यूज करते हैं. स्टरलाइजेशन में हम ऑटोक्लेव का यूज करते हैं. ये एक क्लोज कंटेनर होता है जिसमें हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी खत्म हो जाते हैं. इस प्रोसेस में हम सिर्फ मेटल्स के टूल्स को ही स्टरलाइज कर सकते हैं, जैसे कि सीजर, ट्विजर, एक्सेट्रा. एंड लास्ट है सैनिटाइजिंग मेथड.
अभी कोविड के टाइम सैनिटाइजिंग सब जगह हो रहा है, इसमें हम हीट और केमिकल्स का यूज करते हैं, टोटली पूरी तरह से जर्म्स को मार देते हैं। इसमें आता है 70% अल्कोहल सॉल्यूशन एंड हाउस होल्ड ब्लीच, जो हम घर में ब्लीच यूज करते हैं वो, जिसमें 4% क्लोरीन होता है। नेक्स्ट है इक्विपमेंट एंड मटेरियल यूज इन ब्यूटी सलोन, मतलब क्या क्या ब्यूटी सलोन में इक्विपमेंट और टूल्स यूज होते हैं। तो इसमें आता है ट्विजर, सीजर, प्यूमिक स्टोन, मेटल स्क्रैपर, क्यूटिकल निप्पर, क्यूटिकल ट्रिमर, कॉमडोन एक्सट्रैक्टर, फेशियल स्पॉन्ज, लूफा, क्यूटिकल कटर एंड फेस पैक ब्रश। तो मेनली ये सारे कॉमन इक्विपमेंट है जो ब्यूटी सलोन में यूज होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड बिहेवियर। बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमें अपने क्लाइंट से कैसे बात करना चाहिए, हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, ये सारी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहले है कि हमें क्लीन और नीट सलोन यूनिफॉर्म पहनना चाहिए, पर्सनल हाइजीन का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अपने हेयर को अच्छे से पोनीटेल या तो बन बना के रखना चाहिए ताकि कोई भी ट्रीटमेंट करते वक्त बाल की वजह से आपको परेशानी ना हो। आपको कभी भी अपने ऊपर लाइट मेकअप ही रखना चाहिए, ज़्यादा हैवी मेकअप को आप अवॉइड करें। आपके मुंह से कभी कोई तंबाकू या खाने का स्मेल नहीं आना चाहिए। आपके नेल्स छोटे होने चाहिए, बड़े नहीं होने चाहिए ताकि आपको क्लाइंट को ना चुभे ट्रीटमेंट करते वक्त। हो सके तो कम से कम ज्वेलरी पहनिए, फुटवियर पहन के रखिए ताकि आपको पैर में कोई चीज़ ना चुपे या चोट ना लगे। अपने कस्टमर से बहुत ही प्यार से और पोलाइटली बात करिए एंड हर ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद अपने हाथ को हमेशा वॉश करिए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना आपको बहुत ज़रूरी है। ये है पर्सनल प्रेजेंटेशन बिहेवियर। नेक्स्ट टॉपिक है सेफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, मतलब जो भी वेस्ट है उसको कैसे हम डिस्पोज करें। एक ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद जो भी वेस्ट निकलता है उसको अच्छी तरह से डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे भी इन्फेक्शन फैलने का डर होता है। अगर हम वैक्सिंग करते हैं तो उसमें जो वैक्स स्ट्रिप, कॉटन टिश्यू यूज़ हुए हैं उसको ट्रीटमेंट ख़त्म होते साथ एक कवर्ड बिन में डाल देना चाहिए। हेयर कटिंग हुआ है तो जो बाल नीचे गिरा हुआ है उसको भी डस्टबिन में इमीडिएटली डाल देना चाहिए। फ्लोर को हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए। जो भी आप क्रीम या प्रोडक्ट यूज़ करोगे देन मेक श्योर कि उसका जो ढक्कन है वो टाइटली बंद हो ताकि कभी भी हाथ लगकर वो गिरे ना। मैनिक्योर पेडिक्योर के बाद जो गंदा पानी रहेगा उसको फेंक देना चाहिए एंड हर ट्रीटमेंट के बाद आप शीट और टॉवल को चेंज करते रहिए और यूज जो टॉवल है उसको धोने के लिए अलग से रख दीजिए। तो इस तरह से आप वेस्ट सामान को डिस्पोज करेंगे। नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट। जो भी हम टूल्स और इक्विपमेंट यूज़ करेंगे उसको कैसे स्टोर करके रखें। हर ट्रीटमेंट के बाद जो भी टूल्स एंड इक्विपमेंट यूज़ हुए हैं उसको क्लीन, डिसइंफेक्ट और स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी है। जो भी शार्प टूल्स हैं जिससे चोट लगने का खतरा है उसको अपने पॉकेट में ना रखें बल्कि सही जगह में रखें जिससे आपको चोट ना लगे। इलेक्ट्रिकल सामान को यूज़ करने के बाद उसको स्विच ऑफ कर दीजिए ताकि वो आप उससे आपको करंट शॉक ना लगे और इलेक्ट्रिकल वायर्स को ऐसी ज़मीन में छोड़कर ना रखें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कंप्लायंस ऑफ रूल्स एंड नॉर्म्स। कंप्लायंस ऑफ रूल्स नॉर्म मतलब अगर आपको अपना खुद का सलोन ओपन करना है तो क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशन आपको फॉलो करने पड़ेंगे। सबसे पहला है कि आपको रजिस्ट्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सलोन ओपन करना है तो उसके 30 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है। इसमें आपको एम्प्लॉयज़ का वर्किंग आवर्स, शॉप ओपन और क्लोज करने का गाइडलाइंस, एम्प्लॉयज़ का लीव्स रिकॉर्ड एंड रजिस्टर का मेंटेनेंस एंड लाइसेंस का सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा। अपना खुद का सलोन ओपन करने का लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपके सलोन में ड्रिंकिंग वाटर का फैसिलिटी होना चाहिए, वॉशरूम का फैसिलिटी होना चाहिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेस्ट के लिए अलग अलग डस्टबिन रहना चाहिए। आपके पास जो भी एम्प्लॉयज़ काम करेंगे उनका डिटेल्स आपके पास होना बहुत ज़रूरी है एंड सबसे इम्पॉर्टेंट फर्स्ट एड किट होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ब्यूटी थेरेपिस्ट। क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है एक ब्यूटी थेरेपिस्ट का। अभी 11th 12th में आपका
जॉब रोल है ब्यूटी थेरेपिस्ट, तो मतलब एक ब्यूटी थेरेपिस्ट का क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। सबसे पहले आपको अपने क्लाइंट के ऊपर क्या सर्विस सुटेबल है ये सजेस्ट करने का आपके अंदर वो स्किल होना चाहिए। आप जो भी ट्रीटमेंट करोगे उनके ऊपर उसका एक अप्रॉक्स टाइम अपने क्लाइंट को पहले ही बता देना चाहिए कि आपको इतना टाइम लगेगा, और जो कस्टमर पहले से वेट कर रहे हैं उनको भी इन्फॉर्म करना कि कितना टाइम उनको वेट करना पड़ेगा। हर सर्विस के बाद अपने हाथों को सैनिटाइज करना, हर ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद आपको अपने क्लाइंट को आफ्टर केयर एडवाइस देना ज़रूरी है कि घर जाने के बाद उनको क्या चीज़ करना है और क्या चीज़ अवॉइड करना है। तो जो भी वेस्ट है उसको सही से डिस्पोज करना एंड अपने कस्टमर्स को अच्छे से ग्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है छोटी मोटी जो आपको कैसे अपने क्लाइंट के साथ बिहेव करना है। तो ये सारा क्वालिटी आपके अंदर होना चाहिए। ओके, तो ये है हमारा टॉपिक प्रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग द वर्क एरिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्कप्लेस। मतलब हमें अपने सैलॉन में सबका हेल्थ और सेफ्टी के बारे में भी सोचना चाहिए। सैलॉन में ऐसे बहुत सारे टूल्स एंड इक्विपमेंट्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हमें ध्यान से करना चाहिए। तो क्या क्या सेफ्टी रखना चाहिए आपको? तो पहला है फायर सेफ्टी, देन इलेक्ट्रिकल सेफ्टी, केमिकल सेफ्टी, पोस्चर, लिफ्टिंग एंड कैरिंग मेथड एंड लास्ट पार्लर हाइजीन। तो इन सब के बारे में अब डिटेल्स में देखते हैं। तो सबसे पहला है फायर सेफ्टी। सैलॉन में ऐसे बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जिससे आग लगने का खतरा होता है, तो फायर सेफ्टी के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जैसे किन किन चीज़ों से आग लग सकती है, कैसे आपको बुझा सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं एक्सेट्रा। तो सबसे पहले जानेंगे कि कितने टाइप्स ऑफ फायर है। टोटल 5 टाइप्स है। जब कोई वुड, पेपर या क्लोथ में आग लगता है तो वो क्लास ए कैटेगरी में आता है। इस आग को हम नॉर्मली पानी से बुझा सकते हैं। नेक्स्ट, जब कोई लिक्विड जैसे कि ऑयल, गैसोलीन, पेट्रोलियम, पेंट में आग लगती है तो वो क्लास बी कैटेगरी में आता है। एंड जब कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट लाइक मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स में आग लगती है तो वो टाइप सी कैटेगरी में आता है। और जब कोई मेटल में आग लगती है जैसे पोटाशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, टिटेनियम एक्सेट्रा, तब वो टाइप डी कैटेगरी में आता है। एंड नॉर्मल जो किचन फायर्स लगते हैं कुकिंग ऑयल से, ग्रीसेस से, एनिमल फैट से, वेजिटेबल फैट से, तो वो टाइप के कैटेगरी में आता है। तो ये टोटल 5 टाइप्स ऑफ फायर है। अब इनको बुझाने का भी अलग अलग तरीका है। हम अलग अलग फायर टाइप्स के लिए अलग अलग फायर एक्सटिंग्यूशर यूज करते हैं। आग जो है वो 3 मेन चीज़ों से लगती है, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल। तो आग बुझाने के लिए इनमें से किसी एक को कम करना पड़ता है तब जाकर आग बुझती है। नाउ सो दीज आर द प्राइमरी टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर, वाटर एक्सटिंग्यूशर, फोम एक्सटिंग्यूशर, CO2 एक्सटिंग्यूशर, पाउडर एक्सटिंग्यूशर एंड वेट केमिकल एक्सटिंग्यूशर। वाटर एक्सटिंग्यूशर से हम क्लास ए टाइप फायर को बुझा सकते हैं। जब कोई पेपर या कोई लकड़ी या कोई कपड़े में आग लगता है तो नॉर्मली हम वाटर एक्सटिंग्यूशर से बुझा सकते हैं। फोम एक्सटिंग्यूशर को हम क्लास ए एंड क्लास बी दोनों में यूज कर सकते हैं। क्लास बी में पेट्रोलियम और ऑयल आते हैं तो इसमें हम वाटर का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि इससे आग और फैल जाएगा। तो इसमें हम ऑक्सीजन कम करेंगे तो उसके लिए फोम का इस्तेमाल करते हैं एक ब्लैंकेट की तरह। नेक्स्ट, CO2 एक्सटिंग्यूशर, इससे हम क्लास बी और क्लास सी के फायर को बुझा सकते हैं। क्लास सी में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आते हैं तो हम वाटर का यूज नहीं कर सकते क्योंकि इससे शॉक लगने का खतरा होगा, तो इसलिए CO2 का यूज करते हैं। नॉर्मली अगर बैंक में इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से आग लगता है तो हम CO2 का यूज करते हैं क्योंकि बैंक में बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं तो वो नुकसान ना हो इसलिए, एंड वरना हम फोम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। CO2 बहुत महंगा आता है तो हम बहुत कम जगह में ही इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट, पाउडर एक्सटिंग्यूशर,
इससे हम क्लास डी फायर को बुझा सकते हैं जिसमें मेटल इक्विपमेंट्स आते हैं। एंड लास्ट वेट केमिकल एक्सटिंग्यूशर को हम क्लास के फायर को बुझाने यूज कर सकते हैं जिसमें आता है किचन फायर्स। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्यूशर। अब अगर आग लगता है तो आपका फर्स्ट एक्शन क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको पैनिक नहीं करना है, काम रहना है, 101 में फायर सर्विस को कॉल करके उनको पूरी डिटेल देना है, सही फायर एक्सटिंग्यूशर उठाकर आग बुझाने का कोशिश करना है। अगर आपको इस बारे में नॉलेज नहीं है तो आपको उस जगह से निकल जाना चाहिए सावधानी से। आग लगने पर लिफ्ट का इस्तेमाल कभी ना करें क्योंकि आग लगने पर इलेक्ट्रिसिटी जा सकती है और लिफ्ट रुक सकती है और फिर आप लिफ्ट में ही फंस जाओगे। कोई भी दरवाजा को अपने पाम से टच नहीं करोगे बल्कि हाथ के जो बैक साइड एरिया है उससे टच करके आप उस सामान को हटाओगे। जितना हो सके ओपन एरिया में गैदर होगे। अगर आपने किसी को कहीं फंसे हुए देखा है तो ये चीज आपको फायरमैन को इन्फॉर्म कर देना चाहिए और अपने मुंह को ढाक कर रखना चाहिए। तो इन सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट, फर्स्ट एड क्या होना चाहिए इसमें? अगर आपने किसी को आग लगे हुए देख लिया तो सबसे पहले आपको ये चीज याद रखना है, स्टॉप ड्रॉप कवर एंड रोल। मतलब पहले आप उसको रोकोगे, देन नीचे लेटाओगे एंड एक कंबल डालकर उनको जमीन पर रोल करोगे। तो इससे जो है आग जो जल्दी बुझ जाता है क्योंकि वो 360 डायरेक्शन में रोटेट होगा तो आग चारों तरफ से वो बुझेगा, कम होगा। बर्न एरिया को 20 मिनट तक रनिंग कोल्ड वाटर के नीचे डालकर रखना है। अगर रनिंग वाटर नहीं है तो कोई वेट क्लोथ भी आप यूज कर सकते हो। आइस बटर क्रीम ये सब का आपको बर्न एरिया में यूज नहीं करना है। जो भी अगर वो पर्सन ज्वेलरी या क्लोथ पहना है तो उसको जल्दी से रिमूव कर देना चाहिए ताकि उसका स्किन प्रोटेक्ट रहे और ब्लड फ्लो स्टॉप ना हो। और कभी भी इंजर्ड पर्सन को घेर कर नहीं रखना चाहिए, उनको थोड़ा स्पेस देना चाहिए सांस लेने के लिए। तो ये सारा फर्स्ट एड आप दे सकते हो। ओके, तो ये हो गया फायर सेफ्टी के बारे में। इतना नॉलेज आपको रहना है कि कभी आग लग जाता है सैलून में तो आपको क्या करना है और कैसे प्रिकॉशंस लेने हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। सैलून में बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स यूज होते हैं तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए। इलेक्ट्रिकल शॉक से आपको सीवियर डैमेज भी हो सकता है। तो इसका कॉजेस क्या है, किस वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक हो सकता है? अगर एक्सपोज इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ जाओगे जैसे कि केबल्स, ब्रोकन प्लग, सॉकेट्स, डैमेज्ड अप्लायंसेस, तो इनकी वजह से हो सकता है। अगर आपका इंसुलेटेड ग्राउंडिंग सिस्टम और अर्थिंग सही तरीके से इंस्टॉल ना हो तो उस वजह से भी हो सकता है। कोई वायर डैमेज है या कोई केबल में क्रैक है तो उस वजह से इंसुलेशन डैमेज हो सकता है। अगर एक ही सर्किट में आप बहुत सारे प्लग लगा देंगे तो उससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और अगर वेट एरिया में, गीला एरिया में, वहां पर कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट है तो उससे भी हो सकता है क्योंकि हैज यू नो वाटर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन सारी चीजों की वजह से इलेक्ट्रिक शॉक डेवलप हो सकता है। नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रोक्यूशन? इलेक्ट्रोक्यूशन इज जब एक पर्सन हाई वोल्टेज के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो एक शॉक एक्सपीरियंस करता है जिसकी वजह से उसको सीरियस इंजरी और डेथ भी हो सकती है। तो इस चीज को हम इलेक्ट्रोक्यूशन कहते हैं। एक ह्यूमन बीइंग का मिनिमम करंट एक्सपीरियंस करने का कैपेसिटी है 1 MA। अगर इससे ज्यादा होगा तो आपके बॉडी को डैमेज हो सकता है। अब इलेक्ट्रोक्यूशन से क्या क्या इफेक्ट हो सकता है, क्या डैमेज हो सकता है? पहला है कि बर्न्स हो सकता है। अगर 500 वोल्ट से ज्यादा शॉक है तो इंटरनल ऑर्गन डैमेज हो सकता है या ऑर्गन काम करना बंद हो सकता है और चांसेस है कि डेथ भी हो सकता है। नेक्स्ट, न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट हो सकता है। इट लीड टू द कॉम्प्लिकेशन इन द पेरिफेरल एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आपका जो नर्वस सिस्टम है उसको भी डैमेज हो सकता है। फिब्रिलेशन हो सकते हैं। 50 से 60 हर्ट्ज के करंट से आपके जो वेंट्रिकल्स में कार्डियक मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन इररेगुलर हो सकता है और इससे आपका हार्ट बीट भी रुक सकता है।
देन बोन्स में डैमेज हो सकता है, सीवियर मसल्स कॉन्ट्रैक्शन से आपका बोन फ्रैक्चर हो सकता है और जॉइंट डिसलोकेट भी हो सकता है, और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी डैमेज हो सकता है, मतलब आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम पैरालाइज हो सकता है जिसकी वजह से आपकी हार्ट बीट भी रुक सकती है। तो ये सारा इफेक्ट होगा इलेक्ट्रिकल शॉक से, इलेक्ट्रोक्यूशन से। नेक्स्ट, अब हम इन चीजों से प्रिवेंशन कैसे लेंगे? कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हमें पहले से ही सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि जब कोई अप्लायंसेस यूज में ना हो तो उसे अनप्लग कर देना चाहिए, यानी प्लग निकाल देना चाहिए। एक्सटेंशन कॉर्ड को कभी भी ओवरलोड नहीं करना चाहिए, कभी भी स्विच ऑफ करने के बाद ही प्लग को बाहर निकालना चाहिए। कभी कभी हम जल्दबाजी में प्लग डायरेक्टली निकाल देते हैं, तो ये चीज हमें याद रखना है कि हमें नहीं करना है। ओके, कभी भी कोई अप्लायंसेस को वॉश बेसिन के पास यूज ना करें और ना ही कोई अप्लायंसेस के ऊपर पानी गिराए, इसका हमें ध्यान रखना है। देन कभी भी गीले हाथों से स्विच को या प्लग को, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को टच नहीं करना है, और हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपका इंसुलेटेड ग्राउंडिंग सिस्टम और अर्थिंग सही से काम कर रहा हूं। एंड कभी भी कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को खुद से ठीक करने का कोशिश मत करेगा अगर आपको उसका नॉलेज नहीं है तो। ओके, तो इन सारी बातों का आपको ख्याल रखना है इलेक्ट्रिकल में। नेक्स्ट, अब रेस्क्यू टेक्निक्स क्या होना चाहिए, मतलब हम कैसे बचे, अगर आपने किसी को देख लिया इलेक्ट्रिक शॉक लगा हुआ तो कैसे बचाए। पहले तो आपको कभी भी उस इंसान को अपने बेयर हैंड से टच नहीं करना है, डायरेक्टली उसको हटाना नहीं है, टच नहीं करना है, वरना वो इलेक्ट्रिक शॉक आपके अंदर भी आ सकता है। तो सबसे पहले आपको मेन स्विच ऑफ करना है, और आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आप कोई इंसुलेटिंग मटेरियल पे खड़े हो। आपको इमीडिएटली इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर में कॉल करना है। देन आप चेक करिए कि उस पर्सन को कोई इंजरी या ब्लीडिंग या फ्रैक्चर्स तो नहीं है। देन एक ब्लैंकेट से उनको कवर करिए ताकि उनका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल रहे, बट अगर उनको ज्यादा चोट या बर्न हुआ है तो ब्लैंकेट मत डालिएगा। तो इन सारी बातों का आपको ख्याल रखना है। तो ये हो गया इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल सेफ्टी। अब आप सोचोगे कि सैलून में तो केमिकल्स नहीं रहता, बट बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको सावधानी बरतना है, कुछ उसमें केमिकल्स होते हैं, जैसे कि नेल पॉलिश, आर्टिफिशियल नेल्स, हेयर स्ट्रेटनर, बॉडी वॉश, शैम्पू, हेयर डाई एक्सेट्रा। बट आप सोचोगे कि ये सारी चीज़ों से क्या नुकसान है, लेकिन इसका ज़्यादा एक्सपोज होगा अगर आप पे, अगर आप इसको ज़्यादा एक्सपोज करोगे अपने ऊपर इन सारी चीज़ों से, अगर आप ज़्यादा एक्सपोज होगे तो आपको नौशिया, डिजीनेस, आई एंड स्किन इरिटेशन, हेडेक, ब्रीथिंग प्रॉब्लम, चेस्ट पेन, ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि आप इसको ज़्यादा एक्सपोज ना ले, क्योंकि जब हम लोग स्ट्रेटनिंग भी करते हैं तो उसमें जो धुआं निकलता है वो भी जब हम लोग ब्रीथ में ले लेते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम होता है। ओके, नाउ कैसे अब आप केमिकल्स को यूज करोगे या हैंडल करोगे? तो कभी भी आपको PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनना है। देन कभी भी कोई भी प्रोडक्ट को ऐसे ही कोई टेबल के ऊपर नहीं रखना है ओपनली, क्योंकि वो गिरेगा और आपके ऊपर गिरेगा तो डैमेज होगा। ढक्कन को टाइटली क्लोज करके रखना है, एंड हर प्रोडक्ट में उसका डिटेल्स मेंशन रहना चाहिए, लेबल रहना चाहिए। कभी भी प्रोडक्ट्स को अपने हाथ में नहीं रखना, बल्कि आप उसको ट्रॉली में रखिए, ट्रॉली यूज करिए। जो प्रोडक्ट एक्सपायर्ड हो गया उसको डिस्पोज कर दे, और फ्लोर को हमेशा क्लीन करते रहिए। तो इन बातों का आपको ख्याल रखना है। ये हो गया केमिकल सेफ्टी के बारे में। अब नेक्स्ट है पोस्चर लिफ्टिंग एंड कैरिंग, मतलब कोई सामान को कैसे उठाए, लिफ्ट करे या कैरी करे। इसमें आपका पोस्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, गलत पोस्चर की वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई भी सामान को उठाने का सही तरीका ये है, अपर बॉडी को स्ट्रेट रखना है, बेंड नहीं करना है। देन लंबे समय के लिए बॉडी को स्ट्रेन नहीं देना है, एंड आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। हर सर्विस के बीच बीच में बॉडी को स्ट्रेच करते रहिए, मूव करते रहिए, कंटिन्यूअस एक ही पोजीशन में मत रहिए।
अपना बॉडी पोस्चर चेंज करते रहिए और बैठते वक्त चेयर को राइट हाइट में रखिएगा। तो इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे तो आपका बॉडी पोस्चर सही रहेगा और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है पार्लर हाइजीन। आपको सलून में क्या क्या हाइजीन का ख्याल रखना है, जैसे कि हर ट्रीटमेंट के बाद हैंड वॉश करना बहुत ज़रूरी है, इम्पॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा। आपका वर्क सरफेस हमेशा क्लीन होना चाहिए, चेयर, काउच, टूल्स, इंस्ट्रूमेंट्स हर इंटरवल में क्लीन करते रहिए, फ्लोर क्लीन रखिए, मॉप करते रहिए एंड सबसे इम्पॉर्टेंट हमेशा पीपीई का यूज़ करिए। पीपीई का मतलब अभी मैंने बताया था पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, तो इसमें आता है एप्रॉन, ग्लव्स, शूज, मास्क एंड हेड कवर। तो आपको इन चीज़ों का यूज़ करना है कोई भी ट्रीटमेंट करते वक्त, अपने पार्लर में पीपीई का यूज़ करते रहना है। तो इस तरह से आपको हाइजीन मेंटेन रखना है सैलून में। तो ये सारे हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स हैं जो आपको अपने सैलून में ध्यान रखना है। ओके तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। आशा करती हूँ कि आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे।